सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सुधीर कुमार खोबे। कालीन सभा या प्रार्थना सत्र का दैनिक स्वरूप कैसा हो, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट। प्लीज प्रेस द बेल आइकन। प्रार्थना सभा तथा उसकी कार्य योजना। आओ पूरे वर्ष में अपने विद्यालयों में संचालित होने वाले दिवसों की संख्या के संबंध में बात करें। ये 260, 240, 220 या कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। अब यदि प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना सभा के लिए समय की बात करें तो यह 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट या कुछ कम ज्यादा हो सकती है। अब यदि हम कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवसों व प्रार्थना के लिए न्यूनतम समय की भी गणना करें तो यह निम्नवत होगी। 220 दिन गुणा 15 मिनट अर्थात 3300 मिनट या 55 घंटे या 198,000 सेकंड। अब यदि इस समय के आउटकम्स की बात करें तो हम पाएंगे कि अधिकांश विद्यालयों में इस अति महत्वपूर्ण समय के आउटकम के रूप में बच्चों को जो हासिल होता है वह एकमात्र प्रार्थना, जिसे वह पूरे वर्ष भर वे मन से दोहराते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इस महत्व कम आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम प्रार्थना सभा के लिए एक सुनियोजित योजना बनाते हैं। तो प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना या सुनियोजित योजना क्या होगी, इसे हम आगे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 30 से 32 मिनट का रखेंगे। इसमें 4 मिनट क्या रहेगा, शारीरिक सक्रियता, 3 मिनट प्रार्थना रहेगी, उद्बोध या प्रतिज्ञा 2 मिनट, प्रेरक प्रसंग 3 मिनट, समाचार वाचन 3 मिनट, सामान्य ज्ञान वाचन 2 मिनट, स्वास्थ्य व अन्य जागरूकता की चर्चा 3 मिनट, संवाद या कम्युनिकेशन 5 मिनट, ये एडिकेट्स रहेंगे। प्रोत्साहन की गति यानी कि जो हम उसे मोटिवेशनल देंगे, किसी के बारे में चर्चा करेंगे 5 मिनट, सामान्य निर्देश एवं सूचनाएं 2 मिनट, राष्ट्रगान 52 सेकंड्स। इस तरह से हम अपने प्रातःकाल हर दिन के लिए प्रार्थना अलग होगी। वह शक्ति हमें दो हर देश में, तू तू ही राम है, आए हम दूर दूर से सबको, देश हमें देता है सब कुछ, सुबह सवेरे लेके तेरा नाम प्रभु। ये अलग अलग दिन की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। प्रतिज्ञा है, प्रेरक प्रसंग, ये स्थानीय राष्ट्रीय स्तर के महापुरुषों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि से संबंधित जुड़े प्रसंग एवं लघु कथाएं तथा त्योहार, पर्व एवं जागरूकता विषय जानकारी रहेगी। समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान वाचन, स्वास्थ्य एवं अन्य जागरूक